आज मैंने सोचा कि आज मैं एक शॉर्ट ब्यूटी टिप्स वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वेलकम है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं फेशियल कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए कि देखिए कैसे मैंने फेशियल किया। और फेशियल का जो हम ब्लीच करते हैं तभी की तभी उसका ग्लो आ जाता है चेहरे पे, लेकिन फेशियल का एकदम नहीं आता है, टाइम लगता है। तो दो दिन तक आप कोशिश कीजिए कि सोप या फिर फेस वॉश है वो आप दो दिन तक यूज़ ना करें, और धूप में जाने से बचें, बाहर ट्रैफिक से भी बचें, पोल्यूशन वगैरह इन सब से। तो मेरे लिए फेशियल करने का बेस्ट टाइमिंग जो मुझे लगता है ऐसा है कि शाम का है, क्योंकि उसके बाद हम जब सो जाते हैं तो हमारी स्किन रेस्ट करती है, और हमारे फेशियल करने के बाद हमारी स्किन को पूरा टाइम मिलता है ग्लो करने के लिए। क्योंकि ना ही हम किचन में काम करते हैं कि गैस के सामने खड़े होके, ना ही हम बाहर जाते हैं जो धूप को स्किन फेस करती है, और पोल्यूशन से भी नहीं। तो मुझे बेस्ट टाइमिंग नाइट का ही लगता है कि जब शाम का ही लगता है फेशियल करने का। तो जैसे आज मैंने अभी किया, बस मुझे अब खाना बना लो, रोटी बनानी है, सब्जी नहीं बनानी है। तो बस खाना बनाने के बाद उसके बाद फुल नाइट मेरी स्किन रेस्ट करेगी, और जो मेरी फेशियल का निखार है वो दो दिन तक अच्छे से आएगा धीरे धीरे करके। और मैं दो दिन तक ना ही सोप यूज़ करूँगी, ना ही फेस वॉश, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये थी आज की मेरी ब्यूटी टिप, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप भी कभी फेशियल करती हैं घर पर या करवाती हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, ताकि आपके फेशियल का निखार जो है वो अच्छे से अच्छा आए। तो बस यही ब्यूटी टिप थी मेरी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ब्यूटी टिप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग पर भी बनते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।